बस में हम बैठे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों अभी अभी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो कि गलती है शुक्रवार से पहले दिन आना। दोस्तों मैं आज शुक्रवार से पहले आ गया था, और शुक्रवार को ताजमहल बंद होता है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे और टाइम वेस्ट करके रुकने का। अगर मैं रुकता हूँ तो ये शेड्यूल से बाहर हो जाता है, इसलिए मेरे को फिर से दोबारा आना पड़ेगा दोस्तों, जब भी एक राइट शेड्यूल से जगह निकलेगी। दोस्तों अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, कौन सी चीज़ कब ओपन होती है कब क्लोज़ होती है। दोस्तों मेरी वाली गलती नहीं करिएगा, आप परेशान होएंगे तो, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है एक टूरिस्ट के लिए जो जगह देखने के लिए जाए और ना देख पाए। तो दोस्तों बट एक बात आपसे प्रॉमिस करनी है कि मैं इस एडवेंचर को यहाँ पर ख़त्म बिल्कुल नहीं करूँगा। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाने आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। तो अब फिर से घर पे जाने के लिए बस ढूँढनी पड़ेगी, बैठा हूँ यहाँ पे, देख लो वहाँ से मिलेगी, तो वहाँ से मिलेगी बस। तो फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ सरायका लेखा है ISBT बस स्टैंड पे। तो अभी एक प्रॉब्लम और हो गई है, यहाँ से मेट्रो तो बंद हो गई है जो कि सुबह 6 बजे चलेगी, और ना ही अभी कोई ट्रेन है फिलहाल में। तो वहाँ जाने के लिए लगभग आपको 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और थकान बहुत हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज रात मैं यहीं इसी बस स्टैंड पे यहीं बैठ करके अपनी गुजारूंगा, और जैसे ही सुबह मेट्रो स्टार्ट होती है तो सबसे पहली 6 वाली मेट्रो लेके यहाँ से बहादुरगढ़ तक चला जाऊँगा, उसके बाद मेरे को आसानी से बस मिल जाएगी। तो ये है अभी तक का राम कहानी, आज सबसे बहुत ही बेकार वाले दिनों में से एक गया है दोस्तों। पता है क्या हुआ, जिस बस में हम बैठे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, उसके आगे एक बस चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक लगा दिए और उसने पीछे से उसमें ठोक दिया। फॉर्चुनेटली ज़्यादा किसी को चोट तो नहीं आई है, छोटी बच्ची थी उसको थोड़ी सी चोट लगी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। बहुत बुरी चीज़ है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को नींदों में चलाते हैं, शराब पी के चलाते हैं, अथॉरिटी को कुछ ना कुछ कदम तो यार ज़रूर लेने चाहिए। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने शहर सापला में, जो कि रोहतक में ही है। तो आज जितनी बर्बादी शायद ही कभी हुई हो, बट फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं यार। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं हो तो। काफ़ी सारी गलतियां कर दी आज मैंने। सबसे पहली चीज़, मैंने शेड्यूल नहीं अपना चेक किया था कि कौन सी ट्रेन कहाँ से मिलने वाली है और कौन सी बस कहाँ से मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ जो मैंने नहीं देखी, वो ओपन और क्लोजिंग का टाइम देखा। तीसरी चीज़ जो है, मेरा आज बजट भी थोड़ा सा ख़राब हुआ इसी चक्कर में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं, और कई जगह तो इमरजेंसी में जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं वहाँ पर तो एक्स्ट्रा चार्ज दे ही लेते हैं। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो आज मैंने की, आई होप आप ना करें। इस वीडियो को देख के आप सीख लें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना।